हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, डायरेक्टेड बाय शैली चोपड़ा एंड स्टार्टिंग सोनम कपूर, अनिल कपूर एंड राजकुमार राव। तो कैसी है फिल्म, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात इस फिल्म की जाती है, फिल्म एक होमोसेक्सुअलिटी लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसे काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। एंड अगर यहाँ बात फिल्म की स्टोरी की जाए, फिल्म की स्टोरी है पंजाब के मोगो में रहने वाले बलबीर की, जो रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने, जो एक गारमेंट बिजनेस के मालिक है और काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एंड वो अपनी बेटी स्वीटी के लिए सोनम कपूर के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं एंड इसके लिए वो कई मैरिज वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं। एंड ऐसे में बलबीर की मुलाकात होती है साहिल मिर्जा से, जो रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने, वो एक ड्रामा डायरेक्टर है। एंड ऐसे में साहिल और स्वीटी एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सब अच्छा हैपनिंग चल रहा होता है। एंड साहिल को स्वीटी से प्यार हो जाता है, बट काफी सारे इंसिडेंट्स के बाद साहिल को पता चलता है कि स्वीटी एक कोहो नाम की लड़की से प्यार करती है और वो एक लेस्बियन है। एंड क्या आगे स्वीटी की फैमिली स्वीटी और कोहो के इस प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्या साहिल स्वीटी से शादी करेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एंड फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात फिल्म के एक्टिंग परफॉर्मेंस की जाए, तो स्वीटी के फादर के करेक्टर में अनिल कपूर एज अ बलबीर, उनका परफॉर्मेंस काफी एनर्जेटिक है। मतलब फाइनेंशियली हैप्पी बिजनेसमैन एंड अपनी बेटी के लिए एक बेबस बाप, ये दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने अपना काम काफी अच्छे से किया है। एंड सोनम कपूर की बात की जाए, वो तो एक फिल्म की ब्रीथ है, यानी कि उनके करेक्टर में हमें काफी गहराई देखने मिलती है। एंड उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो उनका परफॉर्मेंस स्वीटी के करेक्टर में आउटस्टैंडिंग है। मतलब अपने फादर बलबीर के साथ की उनकी बॉन्डिंग एंड अपने पार्टनर कोहो के साथ का उनका रिश्ता, ये दोनों ही चीजें उन्होंने काफी बखूबी के साथ निभाई है। एंड साहिल मिर्जा के रोल में राजकुमार राव एज यूजुअल अमेजिंग है। एंड फिल्म के बाकी एक एक्टर्स की बात की जाए, तो जूही चावला, सीमा फवा, बिजेंद्र कादर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। सो फ्रेंड्स, यहां परफॉर्मेंस सभी के स्टेलर है। एंड अगर यहाँ बात फिल्म के डायरेक्शन की जाए, तो फिल्म को डायरेक्ट किया है शैली चोपड़ा धन ने एंड ये उनकी फर्स्ट फिल्म है। एंड फर्स्ट फिल्म को देखते हुए उनका डायरेक्शन फिनोमिनल है। मतलब फर्स्ट फिल्म और एक होमोसेक्सुअल जैसे गंभीर मुद्दे पर इतनी अच्छी लाइट हार्टेड फिल्म बनाई गई है जिसे हर एक एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। इसका पूरा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्शन को जाना चाहिए। एंड फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफी एंगेजिंग है। फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 2 hours 10 minutes की। एंड फिल्म की शुरुआती 15 minutes को माइनस कर दे तो पूरी फिल्म काफी अच्छी बनी है, क्योंकि फिल्म के शुरुआती आधा घंटा के कुछ सीन्स काफी स्नेची है। एंड फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए, तो फिल्म का म्यूजिक काफी सोलफुल है। फिल्म के स्टार्टिंग में गुलनाल इश्क मीठा सॉन्ग काफी एनर्जेटिक है। एंड फिल्म के मिडिल में टाइटल ट्रैक आता है जो काफी सोलफुल है, जो सुनने में काफी अच्छा लगता है। एंड फिल्म की एडिटिंग भी काफी शार्प रखी गई है, जिसकी वजह से ये 2 hours 10 minutes की फिल्म हमें बिल्कुल बोर नहीं करती। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इस गुड लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा फिल्म, जो अपने आप में काफी गंभीर मुद्दा उठाती है जिसे हर एक एज ग्रुप के इंसान को देखना चाहिए। बट इस फिल्म की ऑडियंस काफी लिमिटेड रहे, क्योंकि इंडिया में आज भी होमोसेक्सुअल पर बनी फिल्मों का सक्सेस रेशियो काफी कम होता है। एंड फिल्म का बिजनेस जो भी होगा वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से ही होगा, क्योंकि फिल्म मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे ओपिनियन फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे अच्छे मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।